Let's start. 1, 2, 3, start. Hello everyone, this is TechCoder AB. Welcome to Java Project Series. और हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में, जहां पर आज हम डिजाइन करने वाले हैं हमारी अपडेट क्लास को. अपडेट क्लास मतलब कि जो रूम होगा हमारा, उसका स्टेटस हम अपडेट कर पाएंगे. तो अपडेट रूम हम इस क्लास को नाम दे देंगे, ठीक है. क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या फंक्शंस होंगे, वो सभी चीज़ें आपको आगे पता चल जाएंगी. तो ये जो वीडियो है, ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है. इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो सीधा चेकआउट क्लास की होगी, और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो लास्ट वीडियो होने वाली है हमारी इस पूरी सीरीज़ की. हम उसमें पूरा प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर लेंगे और जो सोर्स कोड होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी लास्ट फाइनल वीडियो होने वाली है, ठीक है. तो वीडियो को अभी जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं. अभी तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, अभी जो हमारा अपडेट क्लास वाला जो सेक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो वीडियो को एंड तक देखना. वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, पूरी प्रोजेक्ट सीरीज अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है. और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जो हमारे न्यू वीडियोज़ होंगे उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको हमारे जावा क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पर अपने होट पैकेज जो है यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पर जाते हैं, जावा क्लास पर क्लिक करता हूँ. जावा क्लास पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो मेरे क्लास का नेम होगा वो मैं देने वाला हूँ अपडेट, और यहाँ पर रूम, परफेक्ट है, ठीक है. यहाँ पर मैं सिंपली अपडेट रूम के हिसाब से हमारी जो क्लास है इसको मैंने क्रिएट कर लिया है. फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. यहाँ पर मैं सबसे पहले नीचे आता हूँ, मेन फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा. मेन फंक्शन बन गया, कंस्ट्रक्टर बनेगा जो कि हमारे बिल्कुल क्लास के नेम के अकॉर्डिंग होगा. तो मैं यहाँ पर अपडेट रूम के नाम से हमारा जो कंस्ट्रक्टर है उसको क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है. कंस्ट्रक्टर बनकर रेडी हो चुका है, परफेक्ट है. ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो यहाँ पर मैं सिंपली रूम अपडेट के नाम से, यहाँ पर सिंपली मैं न्यू अपडेट रूम के नाम से जो हमारा कंस्ट्रक्टर का जो ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट कर लेता हूँ. बिल्कुल सही है, ठीक है. अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले जे फ्रेम को बनाना है. तो मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर लूँगा हमारे जे फ्रेम को. जे फ्रेम से हमारी जो क्लास है इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया, और ऊपर देख सकते हो पैकेज जो है वो हमारा इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है. ये सारी चीज़ें हो गई. अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम चलते हैं अपडेट चेक क्लास पर, ठीक है. मैं आ चुका हूँ अपडेट चेक क्लास पर, और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर के अंदर जितना भी कोड है मैं इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है. अपडेट चेक क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर का जितना भी कोड है वो पूरा कोड आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है, ठीक है. मैं यहाँ पर पूरा कोड यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, पूरा कोड मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया सेट विजिबिलिटी तक का, ठीक है. सेट विजिबिलिटी जहाँ पर हमने ट्रू करवाई है, यहाँ पर पूरा कोड मैंने कॉपी करा, और इस पूरे कोड को मैं यहाँ पर हमारी जो अपडेट रूम वाली जो अभी क्लास हमने बनाई इस क्लास के अंदर ला करके यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट, ठीक है. यहाँ पर मैं पूरा पेस्ट कर देता हूँ, परफेक्ट है. थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ जो है इसको स्मॉल कर लेते हैं. पूरा कोड मैंने यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दिया, ठीक है. अब मैं एक बार क्लास को रन कर लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है, कि हमारा कोई एरर तो नहीं है. यहाँ पर सिंपली मैं राइट क्लिक करके रन करता हूँ अपनी क्लास को. अपडेट रूम जो हमारी क्लास है ये रन होना स्टार्ट हो चुकी है. आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो क्लास है वो बिल्कुल परफेक्टली हमारे सामने विजिबल हो रही है, ठीक है. बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी, ठीक है. अब मेरे को चेंजेस करना है. अब मेरे को यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या चेंजेस करना है वो हम चेंजेस कर लेते हैं. तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इमेज को चेंज करना है. यहाँ पर जो इमेज है वो update.png के नाम से है. मेरे को यहाँ पर update.png नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पर अपडेटेड है एक्चुअली ये वाली जो इमेज है ये अपडेटेड है, और जो हमारी इस क्लास में चाहिए हमको अपडेट रूम क्लास के अंदर जो चाहिए वो अपडेट है. तो मैं सिंपली यहाँ से डी को रिमूव कर दूंगा, एक बार होवर कर लेता हूँ. अब देखो यहाँ पर इमेज जो है वो हमारी चेंज हो चुकी है, ठीक है, परफेक्ट है. इमेज की पोजीशन वगैरह सब कुछ सेम रहेगी, कुछ भी हमको चेंज नहीं करना है. सबसे पहला लेबल वन जो है हमारा, यहाँ पर हमको चेक इन डिटेल्स को रिमूव करके हमको यहाँ पर क्या कर देना है, अपडेट रूम स्टेटस. मैं सिंपली यहाँ पर इसको रिमूव करता हूँ, अपडेट रूम स्टेटस सिंपली मैंने यहाँ पर ले लिया, अपडेट रूम स्टेटस, परफेक्ट है. इसकी पोजीशन वगैरह सब कुछ सेम रहेगी, कुछ भी हमको चेंज नहीं करना है. पहला जो लेबल होगा मतलब लेबल टू जो है हमारा वो आईडी है, बिल्कुल सही है, ठीक है. चॉइस जो है वो होकर बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और चॉइस के अंदर जो डेटा है वो कहाँ से निकल कर आ रहा है, हमारी कस्टमर टेबल के अंदर से, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है. इसके बाद हमारा जो लेबल है वो रूम नंबर का है, बिल्कुल सही है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो टेक्स्ट फील्ड है टेक्स्ट फील्ड 3 वो भी बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पर है, हमको इधर भी कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है. इसके बाद हमारे पास लेबल 4 है. लेबल 4 जो नेम के नाम से है हमको यहाँ पर नेम नहीं लेना,
हमको यहाँ पर चेंज करके कर देना है अवेलेबिलिटी। मैंने यहाँ पर सिंपली कर दिया अवेलेबिलिटी, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर जो पोजीशन वगैरह होगी वो सब कुछ सेम होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो टेक्स्ट फील्ड है वो बिल्कुल सही पोजीशन पर है, उसको भी चेंज नहीं करना है। इसके बाद हमारा जो लेबल 5 है इसके अंदर हमारे पास है चेक इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक इन यहाँ से चेकड इन को रिमूव करूँगा और यहाँ पर कर दूंगा क्लीनिंग स्टेटस। मैंने यहाँ पर ले लिया सिंपली क्लीन स्टेटस, ठीक है। हमारा जो रूम है वो क्लीन है या फिर डर्टी है वो हमको यहाँ पर पता करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो लेबल का नेम है वो उसमें दिया है क्लीन स्टेटस। बिल्कुल सही है, पोजीशन वगैरह सब कुछ सेम रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं है। इसके बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो ये अमाउंट पेड मतलब जो हमारा लेबल 6 है, इसको लेबल 6 को हमको यहाँ से रिमूव कर देना है। लेबल 3 जो है हमारा इसको हमको यहाँ से रिमूव कर देना है, लेबल 3 बोल रहा हूँ, टेक्स्ट फील्ड 6 जो है हमारी इसको हमको यहाँ से रिमूव कर देना है। और जो हमारा लेबल 7 है और टेक्स्ट फील्ड 7 है इसको भी हमको यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है, ये चीज़ हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके बाद है हमारी अपडेट बटन, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर जो एरर है ये भी हम सेट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और जो अपडेट बटन है बिल्कुल सही है, बैक बटन पोजीशन पर है और चेक बटन भी हमको चाहिए, ये भी पोजीशन पर है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इधर पर थोड़ा जो अब फॉन्ट है उसको, मतलब जो हमारे फॉन्ट बोल रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर जो हमारा सेट साइज़ है ना उस सेट साइज़ को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरी जो विड्थ होगी उस विड्थ को मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर जो मेरा सेट साइज है यहाँ पर मेरे को क्या करना है, हाइट को चेंज करना है। तो मैं हाइट को यहाँ पर, मेरी जो हाइट है ये 500 है, तो मैं इसको 500 की जगह पर यहाँ से 500 की जगह पर चेंज करके कर दूंगा 450, ठीक है। 450 मेरी ये हाइट हो गई, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर जो एरर आ रहा है ना ये टेक्स्ट फील्ड 6 वगैरह, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने टेक्स्ट फील्ड 6 को रिमूव कर दिया और जो हमारा ये सेकेंड रिजल्ट सेट 1 वाला जो एरिया है इसके अंदर जो हमने वाइल लूप लिया था, इस लूप के अंदर जो भी है स्ट्रिंग प्राइस और अमाउंट ये आप एक बार देख लो, इसको मैं पूरा यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मेरे जो एरर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। और ऊपर भी एरर है, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखो हमारी जो अपडेट बटन है यहाँ पर भी हमारे पास अमाउंट में जो टेक्स्ट फील्ड 6 है यहाँ पर एरर है, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। बिल्कुल सही है, ठीक है, एरर हमारे जितने भी थे वो सभी रिमूव हो जाने चाहिए। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर अमाउंट में एरर है, तो मैं यहाँ पर जो अमाउंट वाला सेक्शन है इसको पूरा, डिपॉजिट वाला जो है इसको पूरा कट कर देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अब मैं क्लास को रन करके जो हमारी बटन्स वगैरह की पोजीशन जो है उनको एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने शिफ्ट प्लस F10 को यहाँ पर प्रेस किया और आप देख सकते हो हमारी जो क्लास है वो बिल्कुल परफेक्टली रन हो चुकी है। और जो बटन्स है ना वो बटन्स को मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारी बटन्स है ये बिल्कुल बॉर्डर पर टच हो रही है, ठीक है। तो बटन्स को सेट करवा लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी बटन है, एक मिनट इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हम यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले हमारे ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारी जो अपडेट बटन है, अपडेट बटन में हमारा सेट बाउंड है। सेट बाउंड के अंदर आप देखोगे कि जो हमारा सेट बाउंड है यहाँ पर कितना है, 56 है, ठीक है। और यहाँ पर ये, इसको मैं एक काम करता हूँ 120 ले लेता हूँ, एक्स से मैं 120 देता हूँ, ठीक है। वाई से मैं यहाँ पर देने वाला हूँ 315 यहाँ पर दिया। ब्रेथ एंड हाइट वगैरह सेम रहेगी, बिल्कुल सही है। नीचे आ जाते हैं, बैक बटन पर आते हैं। बैक बटन पर आने के बाद मेरे को यहाँ पर क्या करना है, बैक बटन पर एक्स से मेरे को देना है 180, तो मैं सिंपली यहाँ पर 180 प्रोवाइड करवा देता हूँ। और जो वाई से होगा वो 355 होने वाला है, ठीक है, 355 बिल्कुल परफेक्ट है। नीचे आ जाते हैं चेक बटन पर, और चेक बटन पर आने के बाद मेरे को यहाँ पर कितना देना है, मैं सिंपली यहाँ पर एक्स से प्रोवाइड करवा देता हूँ 60। एक्स से मैंने वैल्यू जो दी है वो 60 दी है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और वाई से जो वैल्यू मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ वो मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ 355, यहाँ पर सिंपली 355 दे दिया। शिफ्ट प्लस F10 को वापस से प्रेस करता हूँ, क्लास हमारी रन होना स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो अब जो हमारी बटन्स की पोजीशन है ये बिल्कुल परफेक्टली आ चुकी है। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर बैक बटन पर प्रेस कर दिया, एक बार वापस से क्लास को रन कर लेते हैं। आप यहां पर देख सकते हो जो हमारी तीनों बटन्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पर है। सबसे ऊपर हमारी अपडेट है, फिर चेक है और बैक है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब हमको क्या चेंजेस करना है, अब हमको चेंजेस करना है हमारी अपडेट बटन के अंदर और चेक बटन के अंदर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चेक बटन के ऊपर जो कमांड है उसको लगा लेते हैं। तो चेक बटन के ऊपर कमांड को लगाना है, तो हम चेक बटन पर ऑलरेडी हैं,
यहाँ पर हमने आईडी से डेटा लिया, बिल्कुल सही है, ठीक है, और यहाँ पर ये ला करके सेट करवा दिया। अब मेरे को क्या करना है, हमारा जो वाइल लूप है चेक बटन के अंदर, जो हमारा वाइल लूप है इसके अंदर आप देखो यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट फील्ड 4 है और टेक्स्ट फील्ड 5 है, ये दोनों को मैं यहाँ से कट कर लूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर कट कर दिया इन दोनों को, और यहाँ पर जितने भी स्पेसिंग मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर अब आपको क्या करना है, जो भी हमारा आईडी होगा कस्टमर टेबल के अंदर से हमको सिर्फ रूम नंबर निकालना है और कुछ भी नहीं निकालना, ठीक है। कस्टमर टेबल के अंदर से सिर्फ हमको रूम नंबर निकालना है और कुछ भी नहीं निकालना है, ठीक है। इसके बाद नीचे हमने जो रिजल्ट सेट 1 बनाया था, इसमें रिजल्ट सेट 1 के अंदर हमारी जो क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम वेयर रूम नंबर इज इक्वल्स टू टेक्स्ट फील्ड 3, ठीक है। ये टेक्स्ट फील्ड 3 में रूम नंबर हमारा आकर के स्टोर हो गया। अब रूम नंबर जो हमारा निकल कर आएगा, उस रूम नंबर के अंदर हमको क्या करना है, उस रूम का क्लीनिंग स्टेटस निकालना है और वो अवेलेबल है या फिर ऑक्यूपाइड है वो हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमने ऊपर क्या किया था, जो कट किया ना हमने टेक्स्ट फील्ड 3 टेक्स्ट फील्ड 4, उसको मैंने यहाँ पर नीचे ला करके रिजल्ट सेट 1 वाला जो हमारा वाइल लूप है इसके अंदर ला करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दिया। सिर्फ मेरे को अब यहाँ पर क्या चेंज करना है, जो हमारा डबल कोट्स के अंदर नेम है, मैं यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर जो नेम है इसको चेंज करके कर दूंगा यहाँ पर अवेलेबिलिटी। यहाँ पर मैंने क्या किया, एल ए लेना है, एक्चुअली मेरे को एल आई ले लिया मैंने, यहाँ पर एल ए लेना था, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर चेक इन टाइम की जगह पर मेरे को कर देना है क्लीनिंग स्टेटस, यहाँ पर मैंने ले लिया क्लीनिंग अंडरस्कोर स्टेटस, ठीक है। अब जो मेरा चेक करने पर मेरा जो डेटा है वो मेरे टेक्स्ट फील्ड पर आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, शिफ्ट प्लस F10 को वापस से प्रेस करता हूँ। यहाँ पर हमारे जो क्लास है वो रन होकर के आ चुकी है। अब जो मैं आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर जैसे मैं ये आईडी को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर चेक पर क्लिक करता हूँ, चेक पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ रहा, क्यों नहीं हो रहा है ये, एक बार इसको क्लोज कर देते हैं और चेक करते हैं, चेक पर क्लिक करने पर क्यों कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो इसलिए निकल कर नहीं आ रहा था क्योंकि हमको जो हमारा जो अवेलेबिलिटी वाला कॉलम है और जो हमारा क्लीनिंग स्टेटस है वो कहाँ से आ रहा है, वो हमारे रिजल्ट सेट 1 के अंदर से आ रहा है। और हम डेटा कहाँ से स्टोर करवा रहे हैं, हमारे रिजल्ट सेट के अंदर से, तो हमको सिंपली क्या करना है, रिजल्ट सेट 1 दे देना है, ठीक है। और यहाँ पर भी नीचे भी हमको रिजल्ट सेट 1 दे देना है, बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार मैं वापस से शिफ्ट प्लस F10 को प्रेस करता हूँ, यहाँ पर हमारी जो क्लास है ये रन होना स्टार्ट हो चुकी है और क्लास हमारे सामने रन होकर के आ चुकी है। हम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इस आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, चेक पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखो अब जो डेटा है वो बिल्कुल परफेक्टली मेरे सामने आ चुका है। कैसे आया डेटा, यहाँ पर मैंने आईडी सिलेक्ट करी तो डेटा, ये जो आईडी वाला जो हमारा पर्सन है ये 105 रूम नंबर पर अवेलेबल है, मतलब रुका हुआ है, इसका रूम जो है वो ऑक्यूपाइड है, क्लीनिंग स्टेटस यहाँ पर क्लीन्ड है, ठीक है। बैक पर क्लिक किया, फ्रेम जो है वो क्लोज हो गया। मैं यहाँ पर वापस से एक बार क्लास को रन करता हूँ, शिफ्ट प्लस F10 को मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ, ठीक है। और जैसे कि अगर हमारा कस्टमर जो है वो 105 में रुका हुआ है बट उसका जो रूम है वो डर्टी हो गया है, ठीक है, उसको बोलना है कि आपको जो हमारा रूम है वो क्लीन कर दो, तो उसका रूम डर्टी हो गया है, तो अब यहाँ पर क्लीन्ड शो कर रहा है हमारा स्टेटस, तो हमारा जो क्लीनिंग स्टाफ होगा वो उस रूम को क्लीन नहीं करेगा। तो अब जो हमारा क्लीनिंग स्टाफ है उसको पता चल जाए कि जो 105 या 102 जो है रूम नंबर उसको क्लीन करना है, तो मेरे को यहाँ पर स्टेटस को अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली जो हमारा क्लीनिंग स्टेटस है मैं यहाँ पर क्लीन की जगह पर डायरेक्ट यहाँ पर टाइप कर देता हूँ डर्टी। तो मैं सिंपली यहाँ पर डर्टी जैसे ही टाइप कर दूंगा तो हमारा जो अपडेट पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरा जो रूम का स्टेटस होगा वो अपडेट होकर के हो जाएगा क्या, डर्टी, ठीक है। जब डर्टी अपडेट हो जाएगा तो मेरा जो रूम का जो क्लीनिंग स्टाफ होगा वो क्लीन कर देगा उस रूम को। तो इस टाइप से मेरा जो रूम का स्टेटस है वो मैं यहाँ पर अपडेट कर पाऊंगा हर एक कस्टमर के लिए, ठीक है। तो अब अपडेट क्लास पर क्लिक करने पर, अपडेट बटन पर क्लिक करने पर मेरे को क्या काम करवाना है वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली बैक पर क्लिक करके फ्रेम को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर हमारा जो अपडेट है यहाँ पर आ जाते हैं ऊपर। और अपडेट पर आने के बाद मेरे को यहाँ पर सिंपली क्या करना है, अपडेट बटन पे मेरे को ये जितना भी जो एक्स्ट्रा कोड है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जितना भी कोड है कनेक्शन क्लास को छोड़ के हमारे जहाँ तक हमने कोड को अपने रन किया है जेप ऑप्शन पेन के ऊपर तक का जितना भी कोड है वो मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ, ठीक है। सभी मैंने कोड यहाँ पर रिमूव कर दिया।
यहाँ पर सिर्फ कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को छोड़ा हुआ है और जे ऑप्शन पेन का जो हमारा मैसेज डायलॉग है वो मैंने यहाँ पर छोड़ा हुआ है। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को अपडेट करना है मेरे रूम का स्टेटस, कि रूम का जो स्टेटस है वो क्लीन है या फिर नहीं है, वो मेरे को अपडेट करना है ना। तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपली इसको रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम कर लेता हूँ। और जो मेरी रूम वाली जो टेबल है वो कौन सी टेबल है, मेरी टेक्स्ट फील्ड 4 है, अवेलेबिलिटी और क्लीनिंग स्टेटस। मेरी टेक्स्ट फील्ड 5 है, तो सबसे पहले मेरे को टेक्स्ट फील्ड 5 में से डेटा को निकालना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टेक्स्ट फील्ड 5 लेता हूँ, ठीक है। और एक सेकेंड, यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड 5 के पहले यहाँ पर सबसे पहले मेरे को स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग लेता हूँ, यहाँ पर स्टेटस ले लेता हूँ। सिंपली मैंने स्टेटस इक्वल्स टू किया टेक्स्ट फील्ड 5 डॉट गेट टेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है, परफेक्ट है। गेट टेक्स्ट किया, इसको क्लोज कर देते हैं। अब जो भी टेक्स्ट फील्ड 5 के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो आकर के स्टोर हो जाएगा हमारे स्ट्रिंग स्टेटस के अंदर। ओके, अब हमको एक क्वेरी को रन करना पड़ेगा। तो क्वेरी को कैसे रन करेंगे, यहाँ पर सिंपली मैं सी डॉट स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा, कैपिटल सी लेना है, सी डॉट स्टेटमेंट। और यहाँ पर मैं करूँगा एग्जीक्यूट अपडेट, सिंपली एग्जीक्यूट अपडेट का यूज़ करके इसके अंदर मैं डबल कोट्स के अंदर क्वेरी को पास करूँगा। क्वेरी क्या होगी, अपडेट, ये हो गया अपडेट, परफेक्ट है। यहाँ पर किस में अपडेट करना है, हमारे रूम टेबल के अंदर, ठीक है, जहाँ पर सेट करना है हमको क्लीनिंग स्टेटस अंडरस्कोर स्टेटस। सिंपली मैंने यहाँ पर क्लीनिंग अंडरस्कोर स्टेटस सेट करना है, कहाँ पर, सिंगल कोट्स डबल कोट्स डबल प्लस के साइन, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ स्टेटस को, ठीक है। जो भी हमारे टेक्स्ट फील्ड के अंदर एंटर हुआ होगा वो आकर के हमारे स्टोर हो जाएगा, और क्लीनिंग स्टेटस वाला जो हमारा कॉलम है वहाँ पर हमको अपडेट कर देना है, ये अपडेट हो जाएगा। बट किसके अकॉर्डिंग करना है, हमारे रूम नंबर वाले जो हमारा टेक्स्ट है ना उसके अकॉर्डिंग करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, कॉमा नहीं दूंगा, डायरेक्ट यहाँ पर वेयर लिखता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर वेयर लिया और यहाँ पर देता हूँ रूम नंबर, ठीक है, और इक्वल्स टू करके यहाँ पर वापस से मैं लेता हूँ, डबल कोट्स के बाहर जाऊँगा, एक्चुअली डबल कोट्स के बाहर जाकर के प्लस का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैं ले लूँगा हमारा किस नाम से है, रूम नंबर वाली हमारी टेक्स्ट फील्ड 3 है, तो हमको यहाँ पर एक्चुअली टेक्स्ट फील्ड 3 लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड 3 डॉट गेट टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, परफेक्ट है। इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से, और हमारा जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक बार मैं वर्कबेंच को ओपन कर लेता हूँ, और वर्कबेंच को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखो 105 का जो हमारा स्टेटस है वो क्लीन्ड है, ठीक है। मैं इसको वहाँ से चेंज करके अपडेट की हेल्प से डर्टी करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये डर्टी हो जाना चाहिए। हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिजी आइडिया पर, और यहाँ पर आकर के शिफ्ट प्लस F10 को मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ, और जो हमारी क्लास है वो रन होना स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो क्लास है वो रन हो चुकी है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ हमारे यूज़र को, चेक पर क्लिक करता हूँ, आप देखो 105 ऑक्यूपाइड और स्टेटस जो है वो क्लीन्ड है। क्लीन्ड को मैं यहाँ पर रिमूव करके यहाँ पर मेरे को कर देना है डर्टी, परफेक्ट है, ठीक है। मैंने यहाँ पर डर्टी कर दिया, अपडेट पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा जो स्टेटस है वो अपडेट हो चुका है। मैं ओके करता हूँ, फ्रेम हमारा जो है वो क्लोज हो गया, ठीक है। वापस से चलते हैं MySQL वर्कबेंच पर, हम आ चुके हैं हमारे MySQL वर्कबेंच पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं वापस से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वाली जो हमारी टेबल है इस कमांड को रन करता हूँ। टेबल रिफ्रेश हो चुकी है, और आप यहाँ पर देखो 105 जो हमारा रूम नंबर है वो ऑक्यूपाइड है, और यहाँ पर जो क्लीनिंग स्टेटस है वो डर्टी अपलोड हो चुका है, अपडेट हो चुका है, डर्टी कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। ये 105 जो हमारा क्लीनिंग स्टेटस है वो अपडेट होकर के हो चुका है डर्टी, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्टली हमारा जो डेटा है वो अपलोड हुआ, हमारी जो क्लास है वो बिल्कुल परफेक्टली रन हो चुकी है, ठीक है। इंटेलिजी आइडिया पर आ गए हैं, इंटेलिजी आइडिया पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आकर के हमारी जो अपडेट रूम वाली जो क्लास है ये परफेक्टली बनकर रेडी हो चुकी है। अब ये जो वीडियो थी इसको मैं सेपरेटली इस सेक्शन के लिए रखने वाला हूँ, ठीक है। ये मॉर्निंग में आप देख रहे हो, ये 10 वाले जो 10 AM पर जो हमारी वीडियो आती है उस टाइम पर आप इस वीडियो को देख रहे हो, टेंशन मत लो, आज की डेट पर ये पूरा प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी 3 PM पर आती है, वो 3 PM वाली जो वीडियो है वो हमारी फाइनल वीडियो होगी, जिसमें जो हमारी चेकआउट क्लास जो बाकी है, सिर्फ वो चेकआउट क्लास को हम कंप्लीट करना है। तो वो चेकआउट क्लास को हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे, और एक बार पूरे प्रोजेक्ट को हम रन करेंगे, कहीं पर कोई एरर आ रहा है या फिर कहीं पर कोई कमांड वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो वो सभी पॉइंट्स को हम चेक करेंगे, एक
एक के बाद एक के बाद पूरे पॉइंट्स को हम पूरे प्रोजेक्ट को एक बार टेस्ट करके देखेंगे और जो भी प्रॉब्लम हमको आ रही होगी वो सभी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करके और हमारे प्रोजेक्ट को आज इस वीडियो में आज इस डे के अंदर पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे। सोर्स कोड की लिंक भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर कुछ कन्फ्यूजन है या फिर डाउट आ रहा है, वैसे तो कुछ नहीं, ज़्यादातर हमने कॉपी पेस्ट किया और कुछ जो चेंजेस हैं वो माइनर चेंजेस हैं उतना तो। अगर आप स्टार्टिंग से हमारी सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपको वो सारी चीज़ें पता होगी, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई हों। डाउट आ रहा है तो फिर भी आप टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। लिंक के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल के अंदर पिन कमेंट में आपको एक लिंक और मिलेगी जो कि हमारे डिस्कशन ग्रुप की लिंक है, आप डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो और जो भी डाउट्स हैं आपके वो वहाँ पर आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और अगर कहीं पर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है वो सारी चीज़ें भी आप वहाँ पर क्लियर हमसे कर सकते हो। तो एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक करना वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को बटन को तोड़ दो, फोड़ दो, दबा दो, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिसके थ्रू आपको जो हमारी न्यू वीडियोस होंगी उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।